हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल ड्रामाटाइजर। तो आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ एपिसोड 5 ऑफ मराशली। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जलाल अपनी टीवी ऑन करता है और टीवी पर चल रहा होता है कि आज एक अवार्ड सेरेमनी है जिसमें काफ़ी सारे अवार्ड उनके मालिकों को दिए जाएंगे। फिर बताया जाता है कि आज रात की खास बात यह है कि यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन मिस्टर अजीज़ की बेटी माहूर को भी अवार्ड मिलने वाला है। ये देखकर तो जलाल काफ़ी शॉक्ड हो जाता है और वो अपनी गाड़ी में कहीं निकल जाता है। वो किसी को कॉल करता है और कहता है, हेलो नवजात, तुम्हारे लिए एक काम है, आज रात को हमारे घर की निगरानी करो। वो नवजात कहता है, जैसा आपका हुक्म कमांडर, मैं अभी आता हूँ। जलाल कहता है, एकदम नॉर्मल होकर आना और चकन्ने होकर रहना। नवजात कहता है, यस कमांडर। जलाल उसे शुक्रिया कहता है। अब सीन शिफ्ट होता है अजीज़ साहब पर, जो कि अपनी फैमिली के साथ अब इस अवार्ड सेरेमनी में आ गए थे। माहूर अब जाकर इंटरव्यू देती है, जिससे पूछते हैं लोग कि क्या आप खुश हैं। तो वो कहती है, हाँ बहुत खुश हूँ, ये बहुत ख़ास रात है, बहुत ख़ास तरीके से मैं इस रात के लिए तैयार हूँ। अब वहाँ जलाल भी पहुँच जाता है। अब दिखाया जाता है कि एक गनमैन माहूर की तरफ निशाना लगा रहा होता है कि जलाल उसे आकर पकड़ लेता है और उसे काफ़ी पीटता है, लेकिन वो गनमैन भी काफ़ी शातिर होता है और उन दोनों में काफ़ी हाथापाई हो जाती है और आखिरकार वो जलाल को काफ़ी पीट कर उस वैन से निकल जाता है। अब माहूर तो अंदर सेरेमनी में पहुंच जाती है। अब सेरेमनी शुरू हो जाती है जहां पर सबको अवार्ड्स मिल रहे होते हैं। फिर नाम आता है माहूर का और माहूर भी अब स्टेज पर आ जाती है अवार्ड लेने के लिए। वो सबका शुक्रिया कहती है कि इतने में वो गनमैन भी अब बैक स्टेज पहुँच जाता है। जलाल उसको रोकने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन उसने तो जलाल को गोली मार दी थी, इसलिए वो काफ़ी उसको भी ज़ख्मी कर देता है। वो गन चलाने ही वाला होता है कि जलाल उसे फिर से रोक लेता है और उन दोनों में काफ़ी हाथापाई हो जाती है और वो काफ़ी ऊपर चले जाते हैं बिल्डिंग के। दोनों में हाथापाई होते होते जलाल उसे लात मार देता है और वो वहाँ से नीचे गिर जाता है, तो खुद भी वो वहाँ पर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसे गोली लग गई थी। अब दिखाया जाता है कि जलाल हॉस्पिटल में होता है, तभी वहाँ पर उससे कोई मिलने आता है। जलाल उस आदमी से पूछता है कि माहूर ठीक है, तो वो कहते हैं, हाँ वो ठीक हैं, लेकिन उन्हें कल के हमले के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन अजीज़ साहब आपसे मिलना चाहते हैं। अब मराशली माहूर के डैड से मिलने जाता है। अब अजीज़ साहब उससे बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने दूसरी बार मेरी बेटी की जान बचाई है। इस बार जब हमला हुआ तो पूछताछ करने के बाद मुझे पता चला कि तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला कि वहाँ पर हमला होने वाला है। अजीज़ साहब कहते हैं, क्या इस बार भी हमला करने वाला वही सवाश था ना। मराशली कहता है कि मुमकिन है, वही हो सकता है। फिर अजीज़ साहब कहते हैं, देखो मराशली, लास्ट हमले के बारे में माहूर को कोई खबर नहीं है और अब के बाद चाहे जो भी तुम कहोगे सब बेकार है, क्योंकि जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम मेरे साथ काम करोगे और अब तुम मेरे साथ यहाँ पर रुकोगे। और फिर कहते हैं, मेरी बेटी की, मेरी फैमिली की जान तुम्हें अमानत है। जलाल कहता है, अजीज़ साहब, मैं आपसे बात कर चुका हूँ, आपकी बेटी को संभालना मुश्किल है, जो भी मैं कहूँगा उसका उल्टा करेगी वो। एक तो वो बहुत ज़िद्दी है और अपने पास मुझे देखना नहीं चाहती। अजीज़ साहब कहते हैं, चाहेगी। इतने में ही जलाल की नज़र कंपनी के टैग पर पड़ती है। उनसे पूछता है कि ये क्या है। अजीज़ साहब बताते हैं कि कल से लेकर आज तक की मेरी कंपनी के लोगो हैं। फिर कहते हैं, मराशली मेरी बात सुनो, मेरी बात मान लो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। जलाल कहता है, ठीक है मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मिस्टर अजीज़ कहते हैं, अगर कोई ज़रूरत हो तो हम देख लेंगे। जलाल कहता है, शुक्रिया। मिस्टर अजीज़ कहते हैं, जैसा कि मैंने कहा, माहूर को कल के हमले के बारे में नहीं पता, तो तुम भी उसे मत बताना। जलाल भी कहता है, मैं नहीं बताऊँगा। जलाल रात में फिर से अपना रिकॉर्डर ऑन करता है और रिकॉर्ड करता है। वो कहता है, तारीख 14 जनवरी रात के 11 बज रहे हैं। और फिर कहता है, जैलिश के साथ ऐसा जिसने किया वो कहाँ है मुझे पता है। फिर कहता है, वो घर के अंदर है। का इशारा होता है मिस्टर अजीज़ की फैमिली पर, उनमें से ही कोई एक है जिसने उसकी बेटी पर हमला किया था। फिर कहता है, मुझे यकीन है उसमें से ही कोई एक है, फिर ये सब हैं। वो कहता है कि जो भी होगा मैं उसे ढूंढूंगा और कसम खाता हूँ मैं इस चीज़ की कि मैं उसे ढूंढ के रहूँगा और मुझे कसम है कि मैं उसका बदला जरूर लूँगा। और फिर वो अपनी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देता है। सीन फिर से फ्लैशबैक में शिफ्ट होता है जहाँ पर उसका इंटरोगेशन चल रहा होता है। वो कहता है, मैंने उस आदमी को 2 दिन बाद ढूंढ लिया था। तो वो लोग पूछते हैं कि तुमने उसे कैसे ढूंढा। वो कहता है, अगर किसी की बाप की बेटी को मारोगे तो वो तो उसे ढूंढ ही लेगा। तो फिर वो इंटरोगेशन वाले उससे पूछते हैं कि उसने क्या बताया। जलाल कहता है कि उसने कुछ नहीं बताया, कि उसमें बताने लायक कुछ भी नहीं पता था। वो क्या बताता, क्योंकि किराए के कातिल ऐसे ही काम करते हैं, कुछ पूछते नहीं बस काम करते हैं। इंटरोगेशन वाले पूछते हैं, तो तुमने उस आदमी का क्या किया। जलाल बताता है, जो मुझे करना चाहिए था, उसने तो उसकी जान ही ले ली थी। लड़की पूछती है, तो क्या तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला, फ़ोन नंबर या कोई लिंक। जलाल कहता है कि एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा मिला था उसके, जिस पर एक प्लेट लिखी हुई थी, मुझे लगता है वो महमत इंजे की गाड़ी का नंबर है। अब दिखाया जाता है कि जलाल उस फटे हुए टुकड़े से मिस्टर अजीज़ के कंपनी के लोगों को मैच करता है, तो वो मैच हो जाता है।
तो यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।